हेलो फ्रेंड्स, आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम फॉर SBI PO। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सीरीज होने वाली है। डू गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको बताऊंगा कि पूरी सीरीज में क्या हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, और SBI PO में आपको ये कैसे हेल्प करेगा क्रैक करने में। जितने भी लोग SBI PO 2020 टारगेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली पहले आपको प्री में क्या चाहिए होता है, स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो स्पीड आपको कैसे बनानी है, किस तरीके से आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देखो जी, दीज आर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसलिनियस अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स। वैसे तो आपको सब पढ़ के जाना है, मगर ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, मैक्सिमम टाइम्स देखा गया है इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। और आपको पता है पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट बना रहे हैं, है ना। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में 10 वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, है ना, या फिर 5 सिंप्लीफिकेशन आएगा, 5 क्वार्ट के क्वेश्चन आएंगे। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट। तो आपको अपनी तैयारी पूरी करके जानी है। तो देखो जी, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ के जाने चाहिए। जैसे रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इससे एक क्वेश्चन आने ही आने, हम सबको पता है। ठीक है, एक हो गया एवरेज का डेविएशन वाला मेथड। इसका कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हमें समझना है। एग्जाम में हमें ये जो क्वेश्चन अगर आता है तो इसकी एक ट्रिक है, वो हमें पता होनी चाहिए। वो सब चीजें कैसे पता होगी, प्रैक्टिस से, है ना। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI अप टू एन ईयर्स। अब जैसे फॉर 2 ईयर्स के लिए, 2 साल का, तो आपको सबको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। डिफरेंस इक्वल्स टू पी इंटू R² / 100² ठीक है ना। अब देखो, ये मैं आपको बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज बता रहा हूं ना। इसी तरीके से जब IBPS PO Pre हुआ था आपका इसी साल, हमने बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, है ना। तो 4 पार्ट है उसके, 1, 2, 3, 4। उन्हें भी एक बार देख लो, है ना, उससे भी आपको काफी सीखने को मिलेगा। ये तो हमारी बिल्कुल नई सीरीज है। और भी जो आपको पता है कि पेपर डिफिकल्ट हो गया, पेपर अब कैसा आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है, तो उस हिसाब से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चंस डिजाइन करे इस नई सीरीज में। मगर ये जो सीरीज है ना फॉर IBPS PO, ये भी एक बेहतरीन सीरीज है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, वेन बेस्ड डायग्राम, इससे केसलेट आने के मैक्सिमम चांस रहते हैं। ठीक है ना, एक केसलेट, क्योंकि अगर पेपर उसने डिफिकल्ट बनाया तो देखो 2 DI आ सकते हैं और एक केसलेट आ सकता है। ये प्रॉफिट एंड लॉस में मार्कअप परसेंट और डिस्काउंट परसेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, और वेजेस से काफी क्वेश्चन आते हैं। और एक बात याद रखना, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क डन, वेज इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। याद रखना, वेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। जितना आपने काम करा है उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी। टाइम एंड डिस्टेंस, ये तो पता होना चाहिए। इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की उम्मीद है ना। ट्रेन वाले क्वेश्चन हो गए, बोट एंड स्ट्रीम से एक क्वेश्चन आ सकता है। ओवरऑल 3 क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया। एंड लास्ट 4 कॉन्सेप्ट आर सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें आप 100% तक स्कोर कर सकते हो। अगर सिलेक्शन लेना है तो अभी से एक अच्छी तैयारी करो, अच्छे से सब चीजें करो। सो मेंसुरेशन में जैसे सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए, चाहे कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, स्पीयर हो गया, और बाकी सब फिगर्स। PNC में वर्ड अरेंजमेंट पता होनी चाहिए। मान लो सारे वॉवल्स को एक साथ प्लेस करना है, कॉन्सोनेंट को एक साथ प्लेस करना है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं। प्रोबेबिलिटी से आपको पता है, डाइस का आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, कॉइन्स पता होने चाहिए, कार्ड्स। एंड एलिगेशन टेक्निक का यूज करना आना चाहिए। जैसे किसी भी चैप्टर में आपसे बात करूँ, एवरेज में, टाइम डिस्टेंस में, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसके बारे में मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। जितने लोग नए थे तो उनके लिए इंट्रोडक्शन था। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट का मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँ हर एक कॉन्सेप्ट का, तो आप लोग कमेंट करिए प्लीज, वीडियो को शेयर करिए, सो दैट वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ आवर वीडियोस। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ये पहला क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आर फर्स्ट वीडियो, इसे ट्राई करो। उसमें बताओ कमेंट करके आप कैसे क्रैक कर पाए कि नहीं, क्योंकि मैं जब आपको समझाऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा। हो सकता है पहले खुद से एक सारे क्वेश्चन ट्राई करना है। यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन। प्री में सब चीज, सारा खेल आपका स्पीड का है, आपको पता है ना, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने ट्राई करा होगा। चलिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेमोरेबल कैन बी अरेंज सो दैट नो 2 वॉवल्स आर टुगेदर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट, ये कंडीशन है। अब जैसे मैं बात करूं मेमोरेबल,
ठीक है ना। अब पहले तो आपको इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स काउंट करने हैं ना, मैं आराम आराम से समझाऊंगा बिल्कुल। 5 6 7 8 9, अगर इसमें मैं पूछूंगा वॉवल कौन कौन से, देखो जी वॉवल कितने, 1 2 3 एंड 4, टोटल कितने वॉवल हो गए, 4 वॉवल हो गए। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा वॉवल्स कितने हैं, 4, और बाकी कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, ये बाकी कॉन्सोनेंट हो गए। तो बाकी कॉन्सोनेंट्स को हम लिख लेते हैं जी, एम एम आर बी एल। अब मुझे पता है नो टू वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वॉवल्स एक साथ नहीं होनी चाहिए, यानी वॉवल्स के लिए कौन सी प्लेस बची, 1 2 3 4 5 6। अच्छा काफी लोग सोच रहे होंगे सर आप टोटल वेज में से माइनस कर दो वॉवल्स एक साथ की तो आंसर आ जाएगा, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों गलत हुआ, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं, बताऊंगा ये क्यों गलत है। अब आप वॉवल्स कहीं भी प्लेस कर सकते हो, भाई इधर कर सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 प्लेसेस वेयर यू कैन प्लेस वॉवल्स, एग्री करते हो, जिससे कि कोई भी दो वॉवल एक साथ नहीं होंगे, यानी अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो यानी 6 C 4, भाई अगर आप प्लेस कर रहे हैं 4 वॉवल्स हैं आप पर, है ना, और प्लेसेस कितनी है 6, तो पॉसिबल नंबर ऑफ वेज कितने हुए, 6 C 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैं पहले वॉवल की बात कर रहा हूँ सिंपल, भाई आपस में तो उन्हें आप जंबल कर ही सकते हो कि नहीं, टोटल वॉवल कितने हैं हमारे पास, 4, तो हम उन्हें आपस में तो कर ही सकते हैं जंबल, अपॉन रिपीट कितने हो रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिए वॉवल, देखो ई आपका 2 बार है, यानी अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल। ये तो बात करी मैंने वॉवल की, अब कॉन्सोनेंट भी तो अरेंज करोगे इंटू 5 फैक्टोरियल, है ना, अपॉन, अब आप देखो यहाँ पे एम 2 बार है, एम रिपीट हो रहा है इसलिए अपॉन में 2 फैक्टोरियल, बताओ समझ में आई कि नहीं ये बात, समझ में आई, ठीक है। अभी मैं इसे सॉल्व करूँ, है ना, ये तो मैंने आपको लॉजिक समझा दी, जिन्हें समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को मैं दोबारा से देखिएगा। और देखो जी अब मैं बता रहा था टोटल वेज में से अगर आप इस तरीके से करते हैं ना, टोटल वेज यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस वॉवल्स टुगेदर, वॉवल्स टुगेदर ये माइनस करते तो ये क्यों गलत होता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, 2 वॉवल्स आर टुगेदर, कोई भी दो वॉवल एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी मान लो दो वॉवल एक साथ इधर है, दो एक साथ इधर है, वो वाला केस आपका काउंट नहीं होगा। मान लो 3 वॉवल अगर आपके एक साथ है और एक अलग है, तो वो वाला भी केस इसमें काउंट नहीं होगा। अब जिन्हें समझना था वो समझ गया, बाकी आपकी ये अप्रोच है, ये आपको हो सकता है समझ में आया हो, है ना, ये क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 6C4 फॉर्मूला पता है, 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल ये कितना हो गया, 8, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 इंटू 120 अपॉन 8, 8 से कैंसिल कर दीजिए, 9 टाइम्स 12, 9 से कितना होता है, 10800, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ही बताइए कितना टाइम लगा। और मैक्सिमम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बताओ इसी तरीके के क्वेश्चन को बोलते हैं वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, वर्ड अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स, बताओ जी क्लियर हुआ, पीएनसी से क्वेश्चन था ना, ये समझ में आ गया ना, इस ये वाला जो केस है इस तरीके से करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आपने मान लो 2 वॉवल एक साथ हो गए, 2 वॉवल एक साथ हो गए, मान लो 3 वॉवल एक साथ होगा, 1 वॉवल एक साथ हो गया, वो वाला केस तो उसमें काउंट नहीं होगा, उसमें तो केवल ये काउंट होगा 4 वॉवल एक साथ होंगे, ठीक है ना। बाकी ये अपनी सिंपल अप्रोच है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का रखा है मैंने, जिससे आपको चीजें समझ में आए, उसमें कंडीशन मैंने अलग कर दी है। अगर आपको लगता है पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप इसे ट्राई करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते हैं क्वेश्चन, और बताना देखना कि आंसर आया नहीं आया, उसके बाद बताइए क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो, शेयर करोगे ना मैक्सिमम व्यूज आएंगे, मैक्सिमम लाइक्स आएंगे, मैक्सिमम रिव्यूज आएंगे, तो हम फ्रिक्वेंसी अपनी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फॉर दीज वीडियोज, इस तरीके का कंटेंट कहीं भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, इन हाउ मैनी लेटर्स, इन हाउ मैनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड गुलाब जामुन कैन बी अरेंज सो दैट वॉवल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस और एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द वर्ड। पहले तो वर्ड को लिख लेते हैं, गुलाब
जामुन, नंबरिंग कर लो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन अगर हम हर एक कॉन्सेप्ट के कर रहे हैं तो वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो वॉवल्स के लिए मैं प्लेसेस की बात करूँ, वॉवल्स के लिए प्लेसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो वॉवल्स के लिए कौन कौन सी प्लेसेस पॉसिबल है? 1, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे भी हो सकता है, और इवन प्लेसेस यानी 1, 2, 4, 6, 8 एंड 10। बताइए, क्योंकि ये दोनों एक्सट्रीम प्लेसेस है, यही 2 प्लेसेस अवेलेबल है वॉवल्स के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्लेसेस कितनी है? 6। और वॉवल्स कितने हमने अभी काउंट नहीं करा, 1, 2, 3, और तो कोई वॉवल नहीं है ना जी, 6, C, 4। अब देखो दो दो बार एक ए आपका रिपीट हो रहा है और यू आपका रिपीट हो रहा है, इंटू 4 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 4 है आपस में, तो आप जंबल कर सकते हो ना, अपॉन में क्या होगा, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, मानते हो? ये तो हमने वॉवल्स को अरेंज कर लिया। बच्चे हमारे क्या होगा, कॉन्सोनेंट। भाई 10 में आपके वॉवल्स कितने थे? अगर मैं आपसे बात करूँ, 4 वॉवल्स थे और कॉन्सोनेंट कितने थे? 6 कॉन्सोनेंट थे, तो इंटू 6 फैक्टोरियल। बताओ जी, सही बात है कि नहीं? क्योंकि अब देखो कॉन्सोनेंट में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, मानते हो? तो सिंपल है आपका आंसर। अब इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने इस तरीके से आपको समझाया कि सब चीजें समझ में आए आपको, है ना? ये फॉर्मूला लिख दिया, एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता ही है, अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, है ना? ये तो मैंने इसे सॉल्व करा है, एनसीआर 6C4 इंटू क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। अभी हमारा कितना, देखो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 720 अपॉन में क्या है, 8, 8 से कैंसिल कर दिया 9 टाइम्स, तो यानी 2 0 9 2 18, 7 63, यानी ये सिंपल आंसर 64,800, दिस इज योर आंसर। बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा लगा क्वेश्चन? इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों एसबीआई पीओ में, बताओ। अब वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है? अगर आप चाहते हो इस तरीके के और क्वेश्चंस मिले रेगुलर, और मैं कुछ नया इनिशिएटिव लॉन्च करूँ, ठीक है ना, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, टू वे अगर कम्युनिकेशन होता है ना, मैक्सिमम व्यूज आएंगे, मैक्सिमम लाइक्स, मैक्सिमम रिव्यूज, अब सब आपके हाथ में। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को करो, ये वाला क्वेश्चन तो मैक्सिमम लोगों ने स्किप करा था। चलिए मैं करता हूँ ना, ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 16, 20 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली, 16, 20 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना, 4 से ले लो, 4 × 4 × 5 × 6, 16 × 80, 8 × 6 = 48। एलसीएम देख लिया कैसे निकाला मैंने, भाई 4 कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, बाकी इंटू कर दिया, सिंपल, दिस इज योर टोटल वर्क। ये कितने टाइम्स किया, 30 टाइम्स, ये कितने टाइम्स किया, 24 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स किया, 20 टाइम्स। बताइए, क्लियर? अब ये ए की एफिशिएंसी हो गई, बी की, एंड ये सी की एफिशिएंसी हो गई। अब आगे बात करते हैं, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट आफ्टर x-8 डेज, है ना, बट आफ्टर x-8 डेज ए लेफ्ट द जॉब, यानी ए ने कितने दिन काम करा? अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं, ए ने कितने दिन काम करा, x-8 डेज, बताइए, क्लियर है? अब देखते हैं आगे, एक्स डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क बी ऑल्सो लेफ्ट, मतलब एक्स डेज पहले कौन चला गया, ऐसा बी चला गया, यानी आखिर तक कौन रहा होगा, सी रहा होगा। तो मैं आपसे अगर बात करूं बी, उसके बाद देखते हैं और कुछ दिया है, द होल वर्क इज कम्प्लीटेड इन x-x+5 डेज, टोटल डेज कितने हैं मेरे पास, x+5 डेज, ठीक है फ्रेंड्स? अगर मैं आपसे बात करूं बी ने कितना काम करा और सी ने कितना काम करा, देखो सी चला गया, बी ऑल्सो लेफ्ट बिफोर एक्स डेज, यानी टोटल में से x+5 में से मैं कितना माइनस कर दूं, माइनस एक्स कर दूं, क्योंकि टोटल डेज यानी पूरा काम खत्म होने के एक्स दिन पहले बी चला गया, यानी बी ने कितने दिन काम करा, ओवरऑल 5 डेज। इस तरीके से अप्रोच करो जब भी वेरिएबल्स में हो, और सी हमारे कंप्लीट
कंप्लीट था, वो तो गया ही नहीं ना, यानी सी ने कितने दिन काम करा, x+5 days, बताइए क्लियर हो रहा है। अगर मैं बात करूं टोटल वर्क हमारा है कितना, टोटल वर्क है मेरा 480, ये कैसे कैसे हुआ होगा सर, ए ने कितने दिन काम, ए की एफिशिएंसी मुझे पता है कितना है, 30 × ए ने कितने दिन काम करा, x-8 प्लस बी की एफिशिएंसी 24 × 5, क्योंकि बी ने 5 days काम करा है, प्लस सी की एफिशिएंसी 20 × कितने दिन काम करा है सी ने, x+5 days, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 480, बताइए इसे सॉल्व कर लो कितना टाइम लगेगा, 30x-240 + 120 +20x+100 इक्वल्स टू 480, 30 × 20 50x -240 + 120 और +100 यानी 220, यानी इधर बचा -20 इक्वल्स टू हो जाएगा 500, यानी एक्स की वैल्यू सिंपल आ गई 10, आ गई कि नहीं आ गई, आपसे पूछा क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब बताओ एक बेहतरीन क्वेश्चन था कि नहीं था एसबीआई पीओ लेवल का, सिंपल सब चीज अननोन दे दी थी आपको इसमें और सब कुछ आपको ही फाइंड करना था, दिमाग लगा। अगर इसमें ये बोला होता कि मान लो 5 दिन पहले बी चला गया है ना, सब चीज एक्स के टर्म्स में रखी थी इसलिए क्वेश्चन टफ हो गया, तो इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तभी आप कर सकते हो। चलिए आगे बात करते, क्वेश्चन को ट्राई करिए पहले खुद से, प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए एंड बी इज, सबसे पहले तो आपको एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो तो सबको पता ही होगा, यो चलो लिख देता हूँ मैं, एवरेज बराबर क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना, यानी अगर मैं बात करूंगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्लियर। तो हम डायरेक्ट सम निकाल लेते हैं, ए और बी का सम कितना होगा, कितनी कितने आपके इधर है क्वांटिटीज, कितने पर्सन है ए और बी, यानी 2 × एवरेज कितना है मेरा, 6x-50, बताओ। उसके बाद क्या है, प्रेजेंट एवरेज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी यानी इन तीनों का सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 3 × कितना दिया हुआ है, 4x+6, ये अगर आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, मैं आगे अभी नहीं देख रहा क्वेश्चन, मुझे दिख रहा है यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैं 2-1 कर दूँ तो कितना हो जाएगा, सी इक्वल्स टू कितना होगा, 12x+6 3 जाए 18, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6 × 12x+30, देखो जी इधर हमारा x था है ना, 3 × 4 12x, यानी कैंसिल हो गया, यानी c इक्वल्स टू कितना आ गया, 30+18 48 ईयर्स, ये c की वैल्यू आ गई थी, क्लियर है इतना। अब आगे बात करते हैं, इफ प्रेजेंट एज ऑफ b इज 25% लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ c, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी बी टू सी अगर मैं बात करूँ इधर सी के मान लेते हो रेशियो 4x मान लेते 4x, तो बी की एज कितनी होगी, 3x, 25% लेस है ना, एंड 20% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी ए टू बी की अगर मैं बात करूँ 20% का मतलब पता होना चाहिए 1/5, देन ए यानी अगर ए की वैल्यू 5x है तो भाई बी की एज कितनी होगी, 6x, क्योंकि 20% मोर है। यहाँ से आप क्या करेंगे, ए इज टू बी इज टू सी का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ए इज टू बी कितना है भाई, भाई हमें तो यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो मिल गया ना, कितना है, 5:6, और बी इज टू सी कितना है, 3:4, तीनों का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पता होना चाहिए, 5 3 जो 15, 6 3 जो 18, 6 4 जो 24, इसे आप बोलते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये पता होना चाहिए ना, तो अब आपको पता है सी की एज कितनी है, 48, अब 24 से 48 कब आएगा, जब आप इंटू टू करोगे, आपसे पूछा गया फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, यानी इसमें भी आप क्या करोगे, इंटू टू, आंसर कितना आ जाएगा, 30 ईयर्स, इसमें कितना टाइम लगता अगर आप एग्जाम में होते, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन खुद से ट्राई करा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते इस टाइप का क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अगर एग्जाम में होते अगर आपको चीजें क्लियर है तो मुझे लगता है आप विद इन 50 सेकेंड्स कर लेते, बल्कि 40 to 50 seconds में आप ये क्वेश्चन क्रैक कर लेते, बताइए कि नहीं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, कोशिश करिए कि
जिस हिसाब से एसबीआई पीओ का लेवल रहता है वही लेवल रखे हैं ना, बेस्ट 50 क्वेश्चंस है। इसके अलावा आप सेपरेट वीडियो चाहते हैं हर एक कॉन्सेप्ट का जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, तो प्लीज कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जैसे मैक्सिमम व्यूज आए, मैक्सिमम मैक्सिमम लाइक्स आए, सो दैट वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियो। चलिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो पहले। बैग कंटेन्स 35 बॉल्स, दैट इज रेड ऑरेंज एंड पिंक, रेड ऑरेंज एंड पिंक, ठीक है। द रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ऑरेंज बॉल्स इज 3:2, ठीक। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ पिंक बॉल, पिंक बॉल अगर आप चूज करते हो, मान लेते हैं पिंक बॉल हमारी एक्स है, तो भाई एक्स सी वन अपॉन टोटल में से एक बॉल चूज करो, 35 C1 मतलब 35 इक्वल्स टू कितना दिया, 3/7, यानी 7 से क्या 5 टाइम्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15, यानी पिंक बॉल है आपकी 15 बॉल्स, तो रिमेनिंग कितनी हो गई 20। 20 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5 4 20, यानी 3 4 12, 5 4 ओके 3 4 12, 4 2 8, यानी रेड बॉल्स आपकी कितनी हो गई 12 बॉल्स, ऑरेंज बॉल्स कितनी है 8, और पिंक कितनी है 15, यहाँ से पता चल गया। अब देखते हैं आगे क्या पूछा, इफ टू बॉल्स आर पिक फ्रॉम द बैग देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन बॉल इज ऑरेंज एंड वन बॉल इज पिंक। ऑरेंज बॉल को चूज करने की प्रोबेबिलिटी यानी 8C1, एंड एंड में मतलब क्या होता है इनटू, एंड पिंक यानी 15C1 अपॉन टोटल बॉल्स कितनी है 35C2। ये समझ गए मैं क्या कर रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यहाँ से हमारी क्या फाइंड हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी। आई होप ये बेसिक चीजें पहले की अगर आपने वीडियोस देखी तो आपको क्लियर हो जाएगी बात, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 8 × 15, 8C1 बराबर क्या हो जाएगा, NC1 बराबर क्या होता है N, अपॉन में इसे सॉल्व कर लेते हैं 35 × 34 × 33 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल × 33 फैक्टोरियल, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे कैंसिल किया 13 टाइम्स, 17 टाइम्स, ठीक है। अब इसे इधर सॉल्व कर लेते हैं, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 से क्या 3 टाइम्स, 5 से क्या मेरा 7 टाइम्स, 8 3 जा 24 अपॉन 17, 7 जा कितना होता है 119, दिस इज योर आंसर। क्लियर है कि नहीं बताओ, कितना टाइम लगता है, विच इज ऑप्शन है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी, वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चंस अगर आप खुद से डिकोड कर पा रहे हैं तो बताइए, नहीं कर पा रहे हो तो बताओ, क्वेश्चंस का लेवल आपको बहुत हाई लग रहा है तो बताइए, तो फिर मैं थोड़ा डाउन करूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो से। कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ रहे होंगे ना, जो मैं समझा रहा हूँ जिस तरीके से वो चीज इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पहले बस इतना कर लो कि रीड कर लो पहले खुद से, जिससे जब मैं समझाऊँ ना तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाए मैं क्या बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे फ्रेंड्स, ट्राई कर लो पहले खुद से ना, देखो मैं आराम आराम से इसलिए चल रहा हूँ ना, सब लोगों को समझ में आना चाहिए, फिर एकदम ओवर स्पीड हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ मैन लेंट ₹4500 एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक, फॉर थ्री इयर्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्नड बाय हिम इन सेकेंड ईयर ओनली एंड द इंटरेस्ट बाय हिम इन थर्ड ईयर ओनली। यानी देखो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, समझना कितना ईजी है, ये इमीडिएट लेवल का क्वेश्चन है। इसका 30% कितना होगा, 10% कितना होगा, 450, 450 × 3 करोगे यानी कितना होगा, 4 3 12 एंड 5 3 50, यानी 1350 हो जाएगा कि नहीं, 1350 बताएं भाई, 45 × 90, 90 और 45 यानी 135। अब ऐसे में तो तीनों जगह लिख देता हूँ 1350 को, इसका भी क्या करोगे 30%, 30% यानी 135 × 3, 13 6 आपको, सॉरी 13 3 आपको पता होना चाहिए, 390, 390 और 15 कितना होता है भाई, 405, बताओ क्लियर है। अभी इधर क्या होगा इसका डबल विच इज 810, अभी इधर इसका 30%, 10% कितना है वही 40.5 × 3, बताओ जी क्लियर है कि नहीं, 5 3 15, 3 4 12, 121.5। अब डिफरेंस आपको निकालना है बिटवीन सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर,
इंटरेस्ट के बीच में। अब देखो ये तो सेम ही है, इधर हमारा कितना डिफरेंस है, इसका डबल यानी 405 प्लस 121.5, इतना ही तो अंतर है, यानी कितना जाएगा 5 5 एंड 16 2, 526.5 इज द करेक्ट आंसर। बताइए समझ में आया कि नहीं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने आपको इधर कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये देखो ये मेरे फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, मैंने विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करा है, समझो। इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को करना चाहिए, फॉर्मूले से अगर आप चीजों को करोगे तो काफी लेंदी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अब बताओ इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगता। इस क्वेश्चन में अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन में अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए बता दे रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है बताइए, उसके लिए देखो तो चार चीजें आपको करनी है, चार आपके मेन इधर वेपन्स है, वो कौन कौन से। एक तो आपको टेबल्स याद करनी है कम से कम 20 तक की, इतनी तो आपको याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स याद करने हैं कम से कम 36 तक के, क्यूब्स याद करने हैं कम से कम 15 तक के, और लास्ट में परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना, जो हम कहते हैं। अब यानी ये जो चारों चीजें अगर आपने कर रखी तो कैलकुलेशन आपकी काफी बेहतर हो जाएगी, मानते हो। सो ये मैंने एक वैदिक सीरीज के नाम से सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है चैनल पे, आप उसमें देख सकते हो, सब चीजें आपको उधर मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा सीरीज आपको पूरी बायलिंगुअल मिलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में मिलेंगे सारे क्वेश्चन, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय अ बोट टू गो अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम हाफ अ वे। अच्छा जी ठीक है, मान लेते हैं ऐसे गई डाउन स्ट्रीम, इस तरीके से गई अप स्ट्रीम, टोटल डिस्टेंस मैं कितना मान लेता हूँ, 2x मान लेता हूँ, ठीक है ना, जिससे क्योंकि हाफ रहे तो आपको इजी रहे। तो उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, रेशियो ऑफ द टाइम टेकन, रेशियो कितना दिया, 18:5। अगर मैं बात करूँ स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड बराबर आपको पता ही क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में हाफ कवर करता है, यानी एक्स कवर करेगा अपॉन स्पीड। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है, द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं स्टिल वाटर में स्पीड बोट की कितनी मान लू बताओ, स्टिल वाटर में के मान लेता हूँ, क्योंकि स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें कितनी दी हुई है दोनों बार, 4 दी हुई है, 4 किलोमीटर, यानी 4 इधर होगी 4 इधर होगी। अगर मान लेते हैं ये आपका डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम है, बताओ क्लियर हो रहा है, थोड़ा सा फिगर बना दिया मैंने, ये डाउन स्ट्रीम है ये अप स्ट्रीम है, स्पीड कितनी होगी इधर 2x, क्योंकि अप स्ट्रीम में उसने कितना कवर करा पूरा डिस्टेंस, इनटू वो ऊपर चला जाएगा टाइम ऑफ अप स्ट्रीम। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, अभी ये आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, अभी जो डिस्टेंस दिया है वो किस किस का दिया, पहले अप स्ट्रीम का फिर डाउन स्ट्रीम का। अब मुझे पता है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, K+4, अभी मैंने समझाया, अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी होगी, K-4। के क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, इक्वल्स टू हो जाएगा 18/5, और नीचे क्या होगा अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दो, 9 टाइम्स, इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा 9/5। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा, 5K+20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9K-36। बताइए क्या ये बात क्लियर, 36 को इधर भेज देंगे आप तो कितना हो जाएगा हमारा 56 इक्वल्स टू 4K, तो यहाँ से आपकी K की वैल्यू आ जाएगी 14। K की वैल्यू 14 आ गई, आपसे पूछा क्या है, तो अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 14+4 विच इज 18 किलोमीटर पर आ, 14-4 10 किलोमीटर पर आ। ये अप स्ट्रीम स्पीड है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, बताइए इतना क्लियर है। आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट इन 6 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम एंड 8 आवर्स इन अप स्ट्रीम। तो डिस्टेंस बाय आवर आपको पता ही है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। सो इधर स्पीड कितनी है आप डाउन स्ट्रीम में, 18 इंटू टाइम कितना है, 6 आवर्स इन डाउन स्ट्रीम, प्लस स्पीड कितनी है आप स्ट्रीम में, 10, और टाइम कितना है इधर, 8 आवर्स इन अप स्ट्रीम, ये लिखा ना अप स्ट्रीम, कितना हो जाएगा 5 96 180 108 + 80 कितना हो जाएगा 188 किलोमीटर। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ऑप्शन बी।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, है ना, काफी घुमा के दिया था क्वेश्चन। तो इसमें जहां भी कोई और भी कुछ ट्रिक पॉसिबल होगी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करो, और भी अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है ना। मैं देखो क्वेश्चन इजी है मगर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम लोगों ने गलत कर दिया था, है ना। सो आप इसका आंसर तो बताओ एटलीस्ट, इसका क्या आंसर आ रहा है आप लोगों। चलिए अब मैं ट्राई करता हूँ, वीडियो पॉज करके ट्राई करा करो, है ना। अब पार्क हैज डायमेंशंस 42 × 16। हमेशा एक बात याद रखना, रेक्टेंगल की जब भी बात होती है मैक्सिमम केसों में एल इज ग्रेटर देन बी। अ पाथवे 5 मीटर पैरेलल टू द ब्रेथ ऑफ द पार्क एंड अनदर पाथवे 3 मीटर वाइड पैरेलल टू द लेंथ। देखो ये लेंथ इसने दी हुई है और ये इसने क्या बोली हुई है, ब्रेथ, क्योंकि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, बताइए क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्या बोला है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द सेंटर, ठीक है, इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क अदर देन द पाथवे इज ग्राउंड, यानी ये वाला जो एरिया है ना ये ग्राउंड है। फिगर मैंने इसलिए बना दिया था जैसे आप लोगों के लिए इजी हो जाए समझने में, ये आपका ग्राउंड है पूरा जो मैंने शेड करा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्राउंड इन द पार्क, यानी ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये वाला जो ग्राउंड का एरिया जो मैंने ग्राउंड लिखा है, ये एरिया आपको फाइंड करना है। देखो टोटल एरिया कितना होगा, 42 × 16 माइनस, अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या ट्रिकी पार्ट है। अब ये भी आपका एक रेक्टेंगल है मानते हो, ये आपका पूरा एक रेक्टेंगल है, तो इसे इसका एरिया कितना होगा भाई, इसकी लेंथ कितनी है, 16 × 5 प्लस, अब ये वाला जो पाथ है इसका क्या एरिया होगा, 42 × 3। 42 × 3 है ना। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इससे सॉल्व कर लेते, माइनस कर देते, आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि भाई ये ओवरलैप हो रहा है कि नहीं, ये एरिया आपने 2 बार काउंट कर लिया कि नहीं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बताओ, इसे आप माइनस नहीं करोगे, ये एक आपका छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है, तो इसके डायमेंशन क्या है, 3 × 5, यानी 42 × 16 कर लेते, 2 जा 32 यानी 4 जा 64 एंड 367 माइनस 80 प्लस 6 126 माइनस 15, बताइए क्लियर है इतना। ये कितना हो जाएगा, 6 206 माइनस 15 यानी कितना हो जाएगा मेरा, 191, 672 में से माइनस करना है हमें 191, बताइए 2 में से 1 गया 8, ये गया 4, 481 इज द करेक्ट आंसर, बताओ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बताइए। ये जो एक पार्ट था ना इसमें मैक्सिमम लोग इधर गलती कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना, और इधर लेंथ ऑफ ब्रेथ का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, इधर कोई इंपॉर्टेंस नहीं था इसका, इसलिए मैंने इसे कट कर दिया, इसका कोई यूज नहीं आया मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर इस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन टैप बी फिल्स 20 लीटर ऑफ वाटर पर आवर, यानी टैब बी की इसने एफिशिएंसी दे दी 20 लीटर पर आवर। द टैंक इज फुल इन 10 आवर्स, यानी आप यहां से कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल सकते हैं कि नहीं, कैपेसिटी ऑफ टैंक बताइए कितनी हो जाएगी भाई, फुल कितने में होता है, 10 आवर्स में, और 1 घंटे में कितना फिल होता है, 20 लीटर्स, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 20 × 10 विच इज 200 लीटर्स, सिंपल सी बात है। आगे बात करते हैं, व्हेन टैब बी ओपन विद टैब ए टू फिल द टैंक इज फुल इन 4 आवर्स, यानी टैब बी की अगर मैं बात करूँ ये कितनी देर में फिल कर देगा, 10 आवर्स में फिल कर रहा है ये मेरा, और ए प्लस बी कितनी देर में फिल कर रहा है, 4 आवर्स में, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई, 20, बट हमारा देखना समझने, तो ये कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स, ये कितनी बार गया, 5 टाइम्स, ये आपका देखो टोटल कैपेसिटी आता है यहाँ से, टोटल वर्क मान लो या टोटल कैपेसिटी, बट एक्चुअल में टोटल कैपेसिटी आपकी है कितनी, 200, क्योंकि भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 20, इधर हम मैंने कितनी लिखी है, 2, तो दोनों में सब में क्या करूंगा, इंटू 10 इंटू 10,
तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी आ गई कि नहीं आ गई? ए की एफिशिएंसी कितनी आई भाई? बी फिल कर दे 20 लीटर्स, दोनों मिलके फिल कर रहे हैं 50 लीटर्स, यानी ए की बाकी का ए फिल कर रहा होगा 50 माइनस 20, 30 लीटर पर आवर, ये ए की एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ द टैंक रिमेन्स एम्प्टी व्हेन टैब ए इज फिल्ड फॉर इज ओपन फॉर 6 आवर्स? अब टैब ए आपका 6 आवर्स में कितना फिल कर देगा भाई? 30 × 6 180, तो रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग काम कितना बचेगा? 20 लीटर्स। ये कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। व्हाट परसेंट ऑफ टैंक रिमेन्स एम्प्टी, तो 20 अपॉन टोटल × 100, दिख रहा है आपको सीधे सीधे 10% है। कितना हो गया? 10%। मैक्सिमम लोगों ने गलती की थी इस क्वेश्चन में, बताओ क्लियर हुई बात की नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग थ्री स्टूडेंट्स, ठीक है ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। पी गेट्स लेस 36% लेस देन क्यू। अगर मैं देखो क्यू की बात करूं, क्यू के अगर 100% आए तो पी के कितने आएंगे? पी के आएंगे 64, ठीक है ये तो हो गई पी और क्यू का रेशियो। उसके बाद बात करते हैं एंड 28% मोर देन आर, पी की बात हो गई, ये हो गई पी और क्यू की बात, ये हो गई पी और आर की बात, यानी आर की वैल्यू अगेन 100 है तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 120 है। सीधा सीधा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। सो 4 से कैंसिल कर लेते हैं ना, 4 1 जब 4 6 4 से गया 25 times, ठीक है अभी और कैंसिल नहीं होगा ये। तो आप यहाँ पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है? पी, यानी आप रेशियो निकाल सकते हो क्यू इज टू पी इज टू आर का। क्यू इज टू पी को रिवर्स में लिखो 25 इज टू 16, पी इज टू आर को लिखो 32 इज टू 25। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पता होना चाहिए, एक बार इधर क्रॉस करते हैं, एक बार इधर क्रॉस, यानी 25 × 32 = 16 × 32 = 16 × 25। बताइए अब कुछ कॉमन दिख रहा है? 8 से कैंसिल कर दूं तो 8 से 2 times, 8 से 2 times, 8 से 4 times, ठीक है ठीक है। और 2 और कैंसिल हो सकता है, 2 और मैंने कैंसिल कर दिया, यानी रेशियो कितना आया? 50 is to 32 is to 25। दिस इज योर फाइनल रेशियो, बताइए, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, सब कैंसिल आउट हो गया, ये आपका फाइनल रेशियो हो गया। अब आपसे क्या बोल रहा है आगे? मिनिमम 20% मार्क्स आउट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन, यानी अगर मैं आपसे बात करूं पास परसेंट, पासिंग परसेंटेज कितनी है? 20%, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये रेशियो याद रखना, क्यू पी आर का है, पी क्यू आर का नहीं आया, एंड क्यू हैड जस्ट पास द एग्जामिनेशन, यानी क्यू के 50 यूनिट्स है, 50 यूनिट्स बराबर है 20% के, बात हो रही है क्यू। आपसे क्या पूछा? व्हाट परसेंट ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स डिड आर गेट, तो आर के कितने परसेंट मार्क्स आए? 25, 25 यूनिट्स है, यानी आर के लिए आप क्या करोगे? इसका आधा कर दोगे, जो आपने इधर इसका आधा करा तो इधर भी इसका आधा करेंगे, तो कितने आए आर के? 10% मार्क्स, ये हमने बात करी आर की, बताइए दिस इज योर आंसर ऑप्शन सी। अब इसमें ट्रिकी पार्ट क्या था? रेशियो निकालना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने रेशियो में गलती करी हुई थी, बताइए। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन लग रहा हो, क्योंकि तो सब चीजें जब एक साथ आती है ना आपके सामने, इस लेवल के क्वेश्चन मिसलिनियस, जब आप 10 से 15 क्वेश्चन एक साथ करेंगे सब कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग, तो आप मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। अगर नहीं हो तो आप ट्राई करिए सारे क्वेश्चन एक साथ, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आपको अपना स्कोर कमेंट करना है। हाँ इसमें अगर आपने 10 out of 12 स्कोर करें तो मैं मान सकता हूँ आपकी एक अच्छे लेवल की तैयारी, बेहतरीन क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है आपको, ध्यान रखिएगा स्कोर जरूर कमेंट करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ प्लेयर हैज ऑल द वाइट पीसेस ऑफ द चेस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग टू सेम पीसेस फ्रॉम ऑल वाइट पीसेस इज एम इज टू एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इज टू एन। तो प्रोबेबिलिटी का हमेशा बेसिक फॉर्मूला यह है, आपको याद रखना है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है।
फेवरेबल आउटकम्स। देखो दो सेम पीसेस आपको पिक करने हैं, पॉन प्यादे कितने होते हैं, टोटल पीसेस कितने होते हैं, 16 होते हैं। चाहे मैं बात करूँ व्हाइट पीसेस की, चाहे बात करूँ ब्लैक पीसेस की। अब मान लो 8 में से आपको कितने पिक करने हैं, 8c2, या तो ये आ जाए और के लिए क्या आता प्लस, या आप पे दो नाइट्स में से आ जाए, दो रुक में से आ जाए, या दो बिशप में से, यानी 2c2 + 2c2 + 2c2, यानी ये तीन बार अपॉन 16c2। टोटल आउटकम्स कितने, टोटल पीसेस कितने, 16, उसमें से पिक कितने करने हैं भाई 2। तो 8c2 की वैल्यू इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इंटू 7 कर लो इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 2 से गया 4 टाइम्स, 7 4 28 प्लस 2c2 कितना होता है 1 × 3, ये कितना हो जाएगा 31, बताइए, अपॉन 16c2, इसे सॉल्व कर लो 16 × 15 × 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 14 फैक्टोरियल, 2 से गया 8 टाइम्स, 15 8 जा होता 120, 31 अपॉन 120, ये किसके इक्वल है, एम अपॉन एन के, ये बोल रहा है इस एम अपॉन एन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम प्लस एन, यानी आपको क्या करना है 31 + 120, ये किसके इक्वल हो जाएगा फ्रेंड्स 151 के, दिस इज योर फाइनल आंसर। बात एक ही है, ऑप्शन डी दिल्ली इज द करेक्ट आंसर, बताइए कैसा क्वेश्चन लगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन था। डायग्रामेटिक व्यू में मैं आपको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिए थे, जिससे आपको पता चल जाए कितने नंबर ऑफ पीसेस होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, क्योंकि इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे 13 से लेके 50 तक, है ना, डिवाइड कर देंगे। सो ये पार्ट वन था आज का, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ टू द पॉइंट रहूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप टेस्ट जोन से कर सकते हो ना, सारे क्वेश्चंस हमने वहीं से पिक करें। इसमें मैक्स आपको बेनिफिट क्या रहेगा, स्मार्ट एनालिटिक्स, इसका जो आप एनालिसिस वाला पार्ट है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपने आप को एनालिस कर सकते हैं, है ना, एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है, उसके बाद आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। यू हैव टू एनालाइज योर एवरेज टाइम पर क्वेश्चन, ठीक है, जैसे आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकें और बहुत रीजनेबल रेट से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक करो, मैं आपसे कहूँगा वीडियो को प्लीज शेयर करिए, जिससे कि हमें मैक्सिमम लोगों का रिव्यूज मिल सके, सो दैट वी कैन ऑल्सो इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ वीडियोज, नंबर ऑफ वीडियोज पर डे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगा, और आप लोगों को एक चीज कमेंट जरूर करनी है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है, अपना स्कोर जरूर कमेंट करना है कि आउट ऑफ 12 आपका स्कोर क्या रहा, और उसका आंसर कमेंट करना है, जो होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है, होमवर्क वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना स्कोर कमेंट करो, किसी का स्कोर, हाँ 10+ अगर स्कोर आ रहा है तो उसकी तैयारी अच्छी है, अदरवाइज आप 10+ स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आपको चिंता करनी चाहिए, अभी से लगोगे तब जाके हो पाएगी, क्योंकि जो पेपर आ रहा है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आ रहा है। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, IBPS PO में मैक्सिमम वो क्या दे रहा है आपको पेपर में, वर्ड प्रॉब्लम्स दे रहा है। वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए आपका क्या चीज स्ट्रांग होनी चाहिए, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, बताइए क्या ये बात क्लियर है, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, तभी स्कोर कर पाओगे। अगर आप इस पार्ट को इग्नोर करोगे या स्किप करोगे तो काफी चांसेस कम हो जाते हैं आपके सिलेक्शन में, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि क्वाड कर ली, सिंप्लीफिकेशन कर ली, अप्रोक्सीमेशन कर ली, वो आपको हर एक जगह मिलेगी। और मैं आपका एक और सजेशन मांगना चाहूंगा, कितने लोगों को मेंस की वीडियोस की नीड है, मेंस वीडियो की, मैं यही कहूंगा मेंस के लिए भी अगर अभी से ही तैयारी करोगे तभी कर पाओगे, मेंस और प्री और मेंस में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रेंड्स कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जिससे मैक्सिमम व्यूज आए, मैक्सिमम लाइक्स आए, जिससे कि हम वीडियो रोज आपको ला सके, रोज प्रेजेंट कर सके। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, डू टेल अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। ये आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।